वेलकम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आए हो आप सब ठीक होंगे, खरीद होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी अच्छी हूँ आप सब लोगों की दुआओं से। और हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप ऐसे डायरेक्टली ऐसे देख के बात किया करो, कैमरे में इधर उधर देख के बात मत किया करो। पता नहीं, एक हैबिट से हो गई है वैसे बात करने की। तो बच्चे लोग अभी खा रहे हैं, क्या कहते हैं, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, उसके साथ में स्माइली भी है। और मेरा रोना कुछ बंद नहीं हो रहा। आलिया बोल रही, मम्मी तुम रो मत, रो रहे क्यों, रो रहे क्यों? मैंने वो कल का ब्लॉग आज एंड करी ना, और फिर आज वही अपलोड करी, फिर वहीं से दूसरा थोड़ा देर के बाद, जब नहीं बहुत देर के बाद, तो एक दो घंटे के बाद फिर अभी दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मुझे भी नहीं पता मुझे क्यों रोना आ रहा है। सुबह से मेरे को रोना आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है, रह रह के रोना आ रहा, रुक रुक के मतलब आंसू निकल रहे, जैसे मैं खुद नहीं रो रही हूँ, मेरे अंदर से मेरा दिल रो रहा है। देखो अभी भी आने की कोशिश कर रहा है, मगर मैं अभी नहीं रहूँगी, नहीं तो लोग बोलेंगे ये सब दिखावा कर रही है, ये वो। ऐसा दिखावा नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों एक अटैचमेंट हो गई आप लोगों से ना, मतलब एक जैसे एक परिवार, एक फैमिली, मेरे लिए सब कुछ हो गया है यूट्यूब, पता नहीं क्यों बहुत कुछ हो गया है। और आप लोगों से शेयर करना अच्छा भी लगता है, तो ओ ये देखो, ये परेशान हो गई मेरे से। आप बताओ, मैं जबरदस्ती रो गई क्या? परेशान हो गई, बोलती तुम रो मत, तुम्हारा सूरज जो है ना, बोले तुम्हारा मुंह रोने जैसा ही हो गया। अब रोने जैसा छुएगा ना, अब रोऊंगी तो रोने जैसा छुएगा ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा, मतलब दिल अंदर से रो रहा, क्या क्या तकलीफ है, क्या परेशानी, कुछ समझ में, मेरे को खुद को नहीं मालूम क्या हो रहा। तो अभी खा रहे लोग फ्रेंच फ्राइज, कल तो संडे, कल छुट्टी है। अब देखो आज तो पूरा दिन ब्लॉग नहीं करी, क्योंकि ऐसा मूड सही नहीं था, तबीयत सही थी, अच्छा यही टेंशन पता नहीं क्या हो रहा था। फिर वही एंड करी, दूसरा शुरू करी। अब जो है तो बैठी हुई बच्चों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लोग के साथ में बैठती हूँ ना, तो अच्छा लगता है। क्या नहीं आज कल मैं गई थी ना बर्थडे में, बहुत अच्छा लगा मेरे को वहाँ पे जाके। मेरे को देखो थोड़ा फैमिली इश्यूज़ की वजह से, मतलब ब्लॉग जो है ना मैंने हटा दिया, मतलब लेकिन जाके बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत सुकून मिला, बहुत एकदम अपना अपनेपन वाली एकदम फीलिंग आई। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, अब वो भी ब्लॉग के साथ में, वो भी जो है आप लोगों को दिखेगा नहीं क्योंकि ब्लॉग हट गया, तो वो भी नहीं दिखेगा। खैर जिन जिन लोगों ने देखा है, बहुत ही प्यारा मग है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्वीन लिखा हुआ है इसके ऊपर, उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। यही चीज़ें जो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन देती है आगे बढ़ने के लिए। बस आप सब लोगों का साथ चाहिए, मैं बस अपने लिए एक घर बनाना चाहती हूँ, ताकि कभी मुझे कोई ये ना कह सके कि जाओ तुम मेरे घर से। हर लड़की का एक खुद का घर होना चाहिए, ये बात ये तो सही है, हर लड़की का अपना खुद का एक घर होना चाहिए, जहाँ पर ना वो ऐसा नहीं कि कोई बोले कि चले जाओ वहाँ, निकल जाओ तो फिर निकल गए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, बस मैं अपने गांव में अपना खुद का एक घर बनाना चाहती हूँ। यहाँ पर तो मुंबई में लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो जो है डेवलपमेंट में गया है, वही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये तो खैर किराए का मकान है, ये तो आज है कल नहीं है, आज रह रहे कल खाली कर सकते हैं, बोल नहीं सकते। लेकिन जो है हमारा खुद का, वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मिल जाएगा तो। और बम्बई में तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल कि मैं कभी ले पाऊँ, मतलब देखो बोल नहीं सकते, ले भी सकती हूँ, लेकिन मैं गांव में खुद का लेना चाहती हूँ, बस अपना खुद का एक छोटा सा क्यों नहीं होता, एक घर लेना चाहती हूँ। ये मेरा सपना है, मतलब बहुत मैं बहुत सोच रही हूँ इस बारे में, बहुत ज़्यादा, बस कब लूँ कब नहीं, बस उतना मेहनत कर रही हूँ, लेकिन वैसा फल कुछ मिल नहीं रहा है, वैसा कुछ हो नहीं रहा है। बस आप सब लोग दुआ कीजिए,
इंशाल्लाह आगे बढ़ूँ, कुछ अलग हट के करूँ, करने का सोच रही हूँ वो करूँ। बस थोड़ा सा घर को सेटअप करूँगी, सेटअप करने के बाद फिर अपना दूसरा जो है जो मैं सोच रही हूँ करने का वो सब करूँगी फिर अपने बच्चों के साथ में। तो मिलते हैं थोड़ा देर में, अजान हो रही है, सॉरी मैंने अजान के टाइम पर भी बात कर रही हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं था, आई एम सॉरी। तो मिलते हैं थोड़ा देर में अजान के बाद। वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सबको, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ आप सब लोगों की दुआओं से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी चाय बन गई है, ये सिर्फ अलीना और आलिया के लिए चाय बनाई हूँ, सना ने जो है सना मना कर रही है चाय पीने के लिए। और यहाँ पर जो है पराठे बन रहे हैं दोनों के लिए, दो एक पराठा यहाँ पर बना के रखा हुआ है। ये इसका शेप थोड़ा सा सही से नहीं आया है लेकिन ये बहुत अच्छा बना है। तो इसको थोड़ा सा सेक लेते हैं। तो ये देखिए एकदम समोसे टाइप बना है, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, खाने में तो वैसे ही रहेगा लेकिन दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। तो हमारे जो चाय और पराठे हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। तो चलिए फिर इसको मैं फिर से एक बार पलट देती हूँ, ठीक है? एकदम समोसे की शेप में आया है ना, मस्त लग रहा है एकदम। तो इसको मैंने बनाने का तरीका आप लोगों को बताया है, अगर फिर से अगर चाहिए आप लोगों को कैसा बनाते हैं इसको, शेप कैसे देना है, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, ठीक है? तो चलिए फिर इसको थोड़ा और ऊपर नीचे करके मतलब ऐसे सेक लेंगे तो ये एकदम अच्छे से कड़क थोड़ा सा हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ कुछ टाइम बाद। वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ठीक हूँ आप सब लोगों की दुआ से। और ये तीसरा दिन है आज का, परसों जो मैंने व्लॉग बनाई थी वो शाम में थोड़ा सा बनाई थी, वो फिर उसके बाद मन नहीं किया, फिर कल थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग में बनाई, फिर उसके बाद पूरा दिन नहीं बनाई, फिर शाम में थोड़ा सा इंस्टा पे स्टोरी वगैरह डाली थी, पोल वगैरह की आस्क मी क्वेश्चन, मतलब कि आप लोग अगर कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं बेशक, मतलब लेकिन अच्छे क्वेश्चंस, तो वो मैंने रात में डाली। तो उसके बाद थोड़ा सा क्या होता है ना, इस तरह से इंसान का अगर कोई आपको और मोटिवेशन देता है वहाँ पर, जैसे कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छे बना रहे हो वीडियो, हम आपके साथ हैं, सपोर्ट वगैरह करते हैं, तो सुन के फिर बाद में और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। तो ये आज का तीसरा दिन है, तो बच्चे लोग आज स्कूल लेके गई नहीं मैं, क्योंकि अलीना को बहुत ज़्यादा फीवर है और आलिया को भी लूज़ मोशन हो रहा है, अलीना को भी लूज़ मोशन भी हो रहा है, उसको फीवर भी बहुत है इसके लिए। और पानी भी नहीं आया आज, शायद पूरी कॉलोनी में नहीं आया पानी। तो बस यही सोच रही थी मैं कि व्लॉग स्टार्ट करूँ, नहीं फिर मैं सोची कि नहीं कर लेती हूँ, अभी थोड़ा मन भी शांत है, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन पहले जो है मन एकदम शांत नहीं था, अभी थोड़ा सही लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने बनाई हूँ बटाटे का सालन बकरे के गोश्त में, मटन में। तो इसकी रेसिपी नहीं दी, एकदम सिंपल सा है, गोश्त को पहले गला ली मैंने, हल्दी नमक अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, कांदा डाल के गला ली उसको, उसके बाद फिर कांदा टमाटर अदरक लहसुन मसाले की मिर्ची वगैरह से इसको मैंने बना लिया। आलू जो है अलग से उबाली थी मैंने, एक्चुअली आलू जो है ना पराठे के लिए बॉईल की थी कि मैं पराठे बनाऊंगी बच्चों को टिफ़िन में, लेकिन अचानक से आलिया की भी तबीयत ख़राब हो गई, मैं आलिया सना को स्कूल लेके जाने वाली थी, बस अलीना को जो है मैं सोची कि उसको दवाई लेकर आऊँगी और उसको नहीं लेके जाऊँगी स्कूल, लेकिन ऐसा हो गया कि आलिया की जो है आलिया की भी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, तो फिर सना को अकेले को क्या लेके जाओ फिर स्कूल, दोनों की तबीयत ख़राब हो गई। तो ये अभी होमवर्क कर रही है आलिया, सलाम करो बेटा। तो मैं बोली कि छोड़ो फिर कल लेके जाऊंगी, कल इन लोग का आईडी कार्ड भी बनाने का है स्कूल में, तो कल वो लोग फिर आईडी कार्ड भी बनाएंगे। पता नहीं ये चिड़िया को क्या हो जाता है, जैसे ही मैं आती हूँ ना कैमरे के सामने, मतलब मैं कुछ बोलती हूँ ना, ये लोग इतना जोर जोर से चिल्लाते हैं, क्या बोलूँ मैं। सना उन लोग के ऊपर दुपट्टा ढाप तो जरा बहुत चिल्ला रहे, मेरे सर दुख रहा, पता नहीं क्यों, थोड़ा भी शोर है ना मेरे को नहीं जमता, अभी थोड़ा भी शोर होने लगता फिर ये लोग भी थोड़ा ज़्यादा से चिल्लाने लग जाते ना, तो मेरा ना सर में ऐसा दर्द होने लग जाता, पता नहीं क्यों ऐसा होता। और आप सब लोग थोड़ा लाइटली लीजिएगा, ये मेरे मन की बात थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की, मेरा एक सपना है, आप इसको गलत वे में मत लीजिएगा, आप सब लोग प्लीज़ गलत वे में मत लीजिएगा, सच्ची में ये मेरा सपना है कि मैं लूँ, छोटा सा क्यों नहीं होता, छोटा सा एक घर मैं अपने ले लूँ, बस आप सब लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, दुआ कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और ये भी घर देखिए ना कितना ज़्यादा मतलब मेसी मेसी हो चुका है, गंदा हो चुका है, ये देख सकते हो
पूरी जो वॉल है ना, मतलब उस पर एकदम ऐसा काई जैसा हो गया, काई बारिश की वजह से। तो अब जब तक बारिश पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती ना, तब तक कुछ नहीं कर सकते। जब बारिश पूरी ख़त्म हो जाएगी ना, उसके बाद फिर यहाँ का सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि बारिश की वजह से फिर से वो क्या होएगा, अगर कलर करूँगी मैं, मतलब साफ़ करूँगी या कलर भी करूँगी, तो वापस फिर से पानी गिरेगा, वापस पहले जैसा हो जाएगा। इसके लिए इसको, बारिश को पहले जाने देते हैं, पूरी तरह से बारिश ख़त्म हो जाएगी उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। और अभी तो देखो ये भी सोच रहे हम लोग कि यहाँ पर रहें नहीं रहें, अगर फिर यहाँ से कहीं और चले गए, शिफ्टिंग हो गई हम लोग की कहीं और चले गए रहने के लिए, तो फिर करके भी क्या मतलब है, मतलब यहाँ पर फिर इतना सब करके कुछ मतलब भी नहीं है ना, खर्चा करके कलर वगैरह या फिर नीचे कारपेट भी डालना है, फिर वो सब करके मतलब नहीं है, निकालना पड़ेगा खाली पुकार। तो इसके लिए देखेंगे आगे क्या होता है, देखेंगे आगे। बस और क्या बोलूँ, बस रेसिपी बताई नहीं और ऐसे ही थोड़ा व्लॉग आप लोगों को दे रही हूँ, ज़्यादा कुछ ठीक से व्लॉग नहीं दे पा रही हूँ। हाँ, थोड़ा अच्छा लगा इंस्टा पे सब लोगों ने बातचीत की, बहुत सारे लोगों ने सलाम दुआ किया, बहुत सारे लोग हैं, नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे, दूसरे फोन में देखेंगे, बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से, कोई कर्नाटका से, कोई औरंगाबाद से, कोई बीड़ से, कोई यहाँ मुंबई से, बहुत सारे जगह से। तो अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। कल के व्लॉग में भी सब लोग, जब मैं रो रही थी, सब लोग ने मुझे मोटिवेशन दिया, सब लोग ने समझाया कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा कभी कभी होता है। बस यही है, मैं ना दिखावा नहीं करती हूँ, कुछ लोगों को लगेगा कि देखो, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि अल्लाह के सामने रो, इनके सामने, मैं किसी के सामने नहीं रो रही हूँ। बस एक होता है ना ऐसा, आप फैमिली बोले तो थोड़ा बहुत, देखो मैं तो सुबह से रो रही थी, लेकिन ऐसा होता है ना कि दिल में मतलब है तो निकल ही गया, वो कैमरे के सामने आने के बाद निकल ही गया वो, मैंने जानबूझ के नहीं किया ऐसा, लेकिन वो कैमरे के सामने निकल ही जा रहा था, क्योंकि होता है ना ऐसा, किसको बोलो किस ऐसा, तो हम तो ऊपर वाले को बोलते ही, अल्लाह के सामने तो रोते ही है, बोलते हैं अल्लाह ताला को, लेकिन होता है ना दुनिया में भी अभी हम जैसे अटैच हो जाते हैं किसी से, और यूट्यूब पर तो ऐसा लगता है ना, मतलब एकदम ऐसे अटैचमेंट हो गई ना मुझे, कि बिना यूट्यूब के बिना तो ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी एकदम अधूरी है। बहुत अगर टेंशन में रहती हूँ ना, परेशान, डिप्रेशन या तकलीफ में, तो सोचती हूँ व्लॉग नहीं बनाऊँगी ऐसा ना, स्टॉप करना थोड़ा व्लॉग बना के, मैं तो सोचती हूँ मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी, फिर कुछ भी हो लेकिन फिर मन करता है कि नहीं बनाऊँ, कैसा भी हो बनाऊँ, अच्छी हो, दुख में हो, सुख में हो, तकलीफ में, अच्छी खुश हो, बनाऊँ, क्योंकि एक है आदत हो गई मुझे बनाने की और आप लोगों से कनेक्टेड रहने की, तो ऐसा लगता है बनाऊँ, फिर थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, फिर खुद से ही और मोटिवेट हो जाती हूँ कि नहीं मुझे बनाना है, नहीं मुझे आप सब लोगों से कनेक्टेड रहना है, ऐसा होता है मेरे से। तो इसको देखो ये क्या कर रही है, और सरप्राइज ये है, वो तो आधे कुछ लोगों को तो पता चल ही गया है, कुछ लोगों को पता नहीं चला है, कुछ लोगों को पता चल गया। सरप्राइज ये है कि फ्रिज मैंने लिया था लेकिन वो ख़राब है, तो इसके लिए मैंने बता रही थी, क्योंकि मैं अभी देखना चाहती थी वो चालू है कि नहीं है, चालू होगा कि नहीं होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि वो ख़राब है, तो रिपेयर करने के बाद पता चलेगा, रिपेयर करने के बाद पता चलेगा कि वो चालू होगा। नहीं ऐसा नहीं करते पापा, ये ड्रैकुला के दांत बता रहे थे तुम अपने। हाँ। सलाम नहीं करे तुमने आज, नहीं ऐसा नहीं करते अली ना, सलाम करो, अच्छे से करो, अच्छे से बोलो, जा बहुत गंदे तुम, जा तुम मेरे बहुत प्यारे बेटे हैं, आई लव यू, अरे तुम्हारे कोई खूबसूरत नहीं है दुनिया में, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, आई लव यू, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत ब्यूटीफुल गर्ल हो। चलो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ा देर में, है कि नहीं अलीना पापा। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं तो सोच रही हूँ एंड ही कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा ब्लॉग हो जाएगा तो आप लोग देखोगे नहीं। एक काम करते हो, एंड ही कर देते हैं, कि नहीं आलिया, क्योंकि अभी थोड़ा मेरा और फिर से मूड नहीं हो रहा है आगे, मुझे पता नहीं कि मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं। एक काम करते, चलो एंड ही कर देते हैं ना आलिया। हाँ। आ जाए इधर आलिया, आ जाओ, आ जाओ। चलो फिर आज के ब्लॉग को एंड कर देते यहीं पे, अगर दिल हुआ, मूड हुआ, फिर से अगर अच्छा मूड फ्रेश फिर से रहा ऐसे ही, तो फिर से बनाएंगे यहीं से, बाद में दूसरा ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों से ऐसे ही कनेक्टेड रहेंगे और आप लोगों को ऐसे ही तंग करेंगे, आप लोगों को हमको ऐसे ही झेलना पड़ेगा। नहीं आ रही बोल, इधर चल जल्दी आती है ब्लॉग।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।